किसान खेती भी कर रहा है उसके साथ साथ, बस यही है कि किसान उसका दुरुपयोग ना करे, सिटी में ना चलाए, मंडी में ना चलाए, रोड पे ना चलाए। बहुत अच्छी बात, अगर दुरुपयोग ना करे किसान तो ये चीज किसान के लिए बहुत फायदे की चीज है। मतलब जो किसान 2-3 घंटे खेत में मन लगता है उसकी जगह 8 से 10 घंटे खेती के लिए अच्छा काम कर सकता है। लेकिन किसान से एक रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनल भी है कि वो इसका उपयोग केवल खेत में करे तो ज्यादा अच्छा है, सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। इसका आपको दर्शकों पहली बार मतलब ऐसे जीवन भाई ने मतलब इतना अच्छा मैसेज, मैंने भी कभी नहीं सोचा इस चीज के बारे में, लेकिन बहुत अच्छी बात बोली कि आप गाँव में हो, स्कूल के आसपास हो और लोग मतलब परेशान मत करो, आप खेत में बढ़िया मस्त चलाओ, मस्त चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज उसी के लिए, मस्ती के लिए, झूमने के लिए, मन भी लगता है आपका, खेती में अच्छा मन लगता है, तो अच्छी खेती होती है। साला प्लाउ चलाओ, 9 घंटे प्लाउ चलाओ, व्यक्ति का मन ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, राम राम, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों देखिए, अभी तक हमने आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताया था, CRDI मतलब देख रहे हो आप 5310 जॉन डियर का। अब यहाँ पर CRDI इंजन का परीक्षण भी हो चुका है, तो हम यहाँ पे हमारे किसान भाई से मिलेंगे। सबसे पहले भैया राम राम, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा है भैया, कृष्ण भगवान है यहाँ पे। तो कृष्णा जी, आप ये ट्रैक्टर कब से चला रहे हो? अभी 1 महीने से। 1 महीने से चला रहे हो, कितना चला डाला 1 महीने में? 1 महीने हमने 350 घंटे 350 घंटे चला डाला। अभी तक सर्विस करवाई कि नहीं करवाई? एक सर्विस करवा ली। अभी इसमें आपको यह समझ में आता है कि पहले हमारा जो ट्रैक्टर आता था जॉन डियर, उसमें नॉर्मल इंजन रहता था, CRDI इंजन नहीं रहता था, अभी CRDI इंजन है। तो पहले कौन सा ट्रैक्टर आपने चलाया इसका, जॉन डियर का चलाया इससे पहले? जॉन डियर का नहीं, सोनालिका चलाया। कौन सा चलाया सोनालिका में? सोनालिका RX सीरीज चलाई है, बड़ा ही चलाया होगा, 60 हॉर्स पावर का है ना? हाँ, 55। क्या फर्क लगता है CRDI इंजन में और नॉर्मल इंजन में? सर इसमें ताकत ज्यादा है, इसमें ताकत ज्यादा है। और डीजल का एवरेज की बात करें तो? डीजल अभी ले रहा 5.5 लीटर 5.5 लीटर मतलब प्लाउ पे है ना, और वो कितना लेता था? वो 4 लीटर लेता था। बाकी ये दबता नहीं होगा? हाँ, नहीं दबता। और अगर ये मोड जैसे आपने करे हैं स्टैंडर्ड और इको, इसका भी उपयोग करके किया होगा आपने? हाँ, किया सर। कैसा है इसका उपयोग? अच्छा है। कभी इको लगाते हो, कभी स्टैंडर्ड चलाते हो? ये इसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है तो चलाते स्टैंडर्ड लगाते हो। हाँ। और कम ताकत लेना पड़ती है तो इको चलाते हो? इको भी। बिल्कुल। बाकी अब हम आ जाते हैं साउंड सिस्टम पे, जैसे जेसीबी स्टाइल की छतरी है, यहाँ पे आपने जीवन सेल से ही लगवाई थी? हाँ, यहाँ से लगवाई। कैसा साउंड लगता है लखू का? बहुत बढ़िया है सर। है, बहुत बढ़िया है। ट्रैक्टर चलाने में मजा आता है? हाँ, मजा आता है। और जब ये लाइट रात में बढ़िया लाइट जलती होगी तो कैसा लगता है? आनंद आता है। आनंद आता है। सर पंखा वंखा सब चलता है। चलाओ ना थोड़ा थोड़ा लाइट जलाओ, भले यहाँ चमकाएंगे अपन थोड़ा सा, ये अपनी छतरी की लाइट जलाएंगे, देखेंगे किसान भाई को, आपको दिखाते हैं सब कुछ। ये देखिए बार लाइट भी जलाई दो। हाँ हाँ, देख लीजिए। तो साउंड मजा लगता है? हाँ सर, बढ़िया है साउंड। मतलब इससे पहले कोई और साउंड भी सुना है लखू के अलावा आपने? इससे पहले कोई लगवाया हो कभी? याद हो छोटे थे सर, वो मजा नहीं आता। मजा नहीं आता है। इसमें क्या मजा है ये बताओ मुझे? इसमें मजा है सर, ये बजता बहुत तेज है। बजता बहुत तेज है। और आवाज कैसी आती है? कोयल और कौवे वाली बात भैया, ठीक है यहाँ पर। और हम जीवन भाई को बुलाएंगे, जीवन भाई इधर आइए थोड़ा सा। तो मैंने सुना ये तीसरा लखू का साउंड सिस्टम लगाया आपने ट्रैक्टर में? हाँ सर, पहले 2 ट्रैक्टर में लग चुका है। लग चुका है। अब हमारे जीवन भाई जो है ये बेचते हैं, कैसा इनका नेचर पहले बताओ, कैसा है ये हमारे? बहुत बढ़िया है सर। है, बहुत बढ़िया है। जब आते हो डिस्काउंट देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। तो जीवन भाई कैसा लगता है जब किसान खुश होके जाता है यहाँ से? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है अंदर से। खुशी अंदर से बहुत खुशी होती है कि बिजनेस के साथ साथ एक अच्छा काम कर रहे हैं, कि मतलब किसान खेती भी कर रहा है उसके साथ साथ, बस यही है कि किसान उसका दुरुपयोग ना करे, सिटी में ना चलाए, मंडी में ना चलाए, रोड पे ना चलाए। बहुत अच्छी बात, अगर दुरुपयोग ना करे किसान तो ये चीज किसान के लिए बहुत फायदे की चीज है। मतलब जो किसान 2-3 घंटे खेत में मन लगता है उसकी जगह 8 से 10 घंटे खेती के लिए अच्छा काम कर सकता है। लेकिन किसान से एक रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनल भी है कि वो इसका उपयोग केवल खेत में करे तो ज्यादा अच्छा है, सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे।
इसका। आपको दर्शकों पहली बार मतलब ऐसे जीवन भाई ने मतलब इतना अच्छा मैसेज, मैंने भी कभी नहीं सोचा इस चीज के बारे में, लेकिन बहुत अच्छी बात बोली कि आप गांव में हो, स्कूल के आसपास हो और लोग मतलब परेशान मत करो, आप खेत में बढ़िया मस्त चलाओ, मस्त चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज उसी के लिए, मस्ती के लिए, झूमने के लिए, मन भी लगता है आपका, खेती में अच्छा मन लगता है, अच्छी खेती होती है। साला प्लाउ चलाओ, 9 घंटे प्लाउ चलाओ, व्यक्ति का मन ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा, अकेला क्या करेगा, कितनी देर चलाएगा। अब यहाँ साथ मिल जाता है लखू भाई का, है ना, उनके साउंड सिस्टम का, तो मजा आता है पूरा। कितने नंबर देना चाहोगे अगर इसको 100 में नंबर दे, कितने? पूरे 100 नंबर, पूरे 100 नंबर दोगे ना, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो भैया कृष्णा जी ने जो रिव्यू दिया उसके अलावा ट्रैक्टर का भी हमने आपको रिव्यू बता दिया कि काफी शानदार चल रहा है CRDI, और अभी कोई तकलीफ तो नहीं आई इस ट्रैक्टर में? कोई तकलीफ नहीं आई सर, सर्विस में भी प्रॉपर चल रहा है, है ना? हाँ। और भागता है, खूब चलता है, बढ़िया, हाँ, बढ़िया चलता, ताकत तो नहीं लेता है, मतलब दम तो नहीं तोड़ता प्लाउ पे, नहीं तोड़ता, है ना, बिल्कुल। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।